हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ होंगे: खड़े मसाले, सूखा धनिया, सौंफ और जीरा, एक बड़ा टमाटर और तीन मैंने यहाँ पे कटे हुए प्याज लिए हुए हैं, दही लिया हुआ है और एक छोटी प्लेट में मैंने और खड़े मसाले लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, आधा किलो चिकन है, 3 कप मैं यहाँ पे बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक डेगची में 3 ग्लास पानी यूज़ करूँगी। इसको अब हम थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर जो खड़े मसाले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। लहसुन यहाँ पे आपको काट के नहीं, साबुत यूज़ करना है। ये धनिया, लहसुन, जीरा, सौंफ और खड़े मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब हम इसको बॉईल आने देंगे अच्छे से। और यहाँ पे एक प्याज मैंने एक्स्ट्रा काट के रखा हुआ था, मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगी। इसमें थोड़ा नमक यूज करेंगे अब हम, आधी चम्मच, और इसको बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो चिकन मैंने लिया है उसमें इसको डाल देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो थोड़ा सा उबल जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। आपको अलग से नहीं करना है, आपको जो पानी हम इसका बना रहे हैं बिरयानी का उसी में आपको चिकन डाल के इसको थोड़ा सा उबाल देना है। हम चिकन और उसका जो पानी था उसको हमने अलग अलग कर दिया है छान के। चिकन मैंने प्लेट में लगा लिया है। अब हम यहाँ पे कुकर में सरसों का तेल लेंगे 2 चम्मच, आप देख सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर जो दूसरी प्लेट में मैंने खड़े मसाले यूज़ किए थे मैं यहाँ पे इसको डाल दूँगी सारे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्याज की क्वांटिटी है उसको थोड़ा ज़्यादा रखना है। 3 से 4 बड़े प्याज आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। ये गर्म हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे 3 बड़े कटे हुए प्याज को डालूंगी। इसको गोल्डन ब्राउन करना है मैं अच्छे से। इसको हमको फुल आंच पे यहाँ पे थोड़ा प्याज को ब्राउन होने देना है। आप देख सकते हैं प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है। और एक प्लेट पे मैं थोड़ा सा प्याज निकाल लूंगी। अब हम यहाँ पे टमाटर का यूज कर रहे हैं, इसको स्टर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च काटी हुई हैं और लहसुन 2 से 3। इसको घुमा देंगे अच्छे से, देखिए। अब हम इसमें नमक यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। आप ध्यान रखना, जब हमने स्टार्टिंग में जो पानी बनाया था वो यहाँ पे यूज़ होगा तो नमक आप थोड़ा कम ही रखिएगा। वहाँ पे भी हमने 1 चम्मच नमक डाला हुआ था। अब यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे 1 चम्मच। इसको स्टोर कर देंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पे जो बॉईल किया हुआ चिकन है उसको हम डाल देंगे और करीबन 10 मिनट तक का हम इसको ढक के थोड़ा सा पकाएंगे। इसको थोड़ा फ्राई करते हैं मसालों के साथ। अब मैं यहाँ पे दही का यूज़ करूँगी। मैंने 1 बाउल दही यूज़ किया है, नॉर्मल फ्रिज वाला दही नहीं चाहिए। इसको हम अच्छे से चिकन में मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट तक का पकने देंगे। हमारा चिकन पक गया है तो अब हम इसे यहाँ पे चावल यूज़ कर रहे हैं। चावल मैंने आधे घंटे से भिगो रखे थे और जो पानी मैंने छाना हुआ था मैं उसको यहाँ पे डाल देती हूँ अब।
अब मैंने इसको ढक के यहाँ पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरी चिकन बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट जो इन्ग्रीडियंट है यहाँ पे यूज़ होगा, ये फूड कलर है। एक पिंच सा मैंने फूड कलर यहाँ पे यूज़ किया है। उसमें पानी में इसको मिक्स करके हमें बिरयानी के ऊपर डालना है, और जो प्याज मैंने पहले सबसे पहले भुने हुए थे उसको निकाला था, उसके ऊपर इसको गार्निश करना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है, अभी रेडी टू सर्व है। सो आप बताइए आपको कैसी लगी है चिकन बिरयानी, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने यहाँ पे चटनी का भी यूज़ किया है, तो आप मुझे बताइए कैसी लगी। थैंक यू।